और भाई ये रहा मेरा साग जो मुझे ऐशा ने दिया है कि आपने बना कर देना है, और मैंने कुछ कट कर लिया तो बाकी जना घर जाके बनाएंगे, क्योंकि लकड़ियों पर जो साग बनता है वो बहुत ही मज़े का होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो भी अभी जा रही हूँ मैं अपने घर, और यहाँ पर बच्चे जा रहे थे ट्यूशन के लिए, तो मैंने कहा मुझे जो है ना आप नवा कोट जो है ना अड्डा वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, तो मैं अपनी सवारी लेकर ना चली जाऊँगी अपने घर। तो यहाँ पर भी उतर गए और रक्षे वाले भाई ने जो ये वाली पेटी मेरी उठा के, इसमें साग भी है और पालक भी है, मेथरा भी है। और अली से मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, और अली भी बहुत खुश था कि अम्मा चलो आज तो आप एक रात रुक गई मेरे साथ। तो भी ये रही हमारे घर के जाने के लिए सवारी रेडी है, तो बस अभी वेट करें कुछ सवारियाँ और भी आ जाएँ। तो माशाल्लाह सवारियों के वेट करने के बाद तकरीबन आधा घंटा, पता नहीं पौना घंटा लगा, इनकी सवारियाँ फुल होती हैं तब फिर गाड़ी चलती है। कहते हैं कि भाई ये हमारा तेल का खसारा कौन पूरा करेगा अगर आप वेट नहीं कर सकते, कोई और सवारी लेके जाएं। इस तरह जो ना खुले पानी में ना साग को है धोना, ताकि ये अच्छी तरह जो ना आपका साग जो ना सही से धुल जाए। और ये देखें यहाँ पर ना मैंने आग जला दी है, और देखें बहुत ही तेज़, जैसे ही पानी गर्म होगा ना तब इसमें साग डाल देंगे, और साग इतना मज़े का बनेगा ना मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन साग जो ना हमें कल दोपहर को खाने को मिलेगा, अभी रात को नहीं खाएंगे, रात को हम कुछ और बना लेंगे और साग जो ना कल के लिए। तो अब जो ना इसमें धुला हुआ साग जिसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से वो डाल देते हैं, पानी उबल चुका है। तो इसके बाद जो ना जैसे इसको कुछ उबाल आ जाएंगे तब जो इसमें पालक और मेथरा भी काट के ना मैं डाल दूंगी, क्योंकि पालक और मेथरा अभी तक नहीं कटा, तो इसको जो है ना कवर कर देंगे सारा साग डाल के। और ये जो है ना पहला साग है हमारे घर सर्दियों की ना पहली सौगात, और पहली बार हमारे घर ये वाला साग बन रहा है सर्दियों की आमद का। और ये साग जो है ना सठड़ी का है, और सठड़ी का साग माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनता है। मुझे भी। आपको भी पसंद है, सबको पसंद है। मुझे भी। और भी आप सभी कमेंट्स में बताना कि अभी तक आप सबके घर साग बनाए सर्दियों का, अभी तक नहीं बना। और ये देखचा भी चौलिस्तानी बहनों को, ये मोटी लकड़ी भी उधर से ले आए हैं कि चलो साग बन जाए। देखचा लेने गई हैं, गई हूँ तो मैंने कहा चलो साथ में ना लकड़ियाँ भी ले आते हैं, उनके ना माशाल्लाह खुश्क बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लकड़ी, और हमारी जो ना छोटे इसके नीचे ना मोटी लकड़ी लगा के आप छोड़ दें पूरी रात, ये जल्दी बन जाएगा। फिर ऐसे जो ना इसको उतार देंगे फिर और सारा बना, इस तरह जो है साग अच्छा नहीं बनता और जल्दी भी नहीं बनता। माशाल्लाह साग देखे हमारा मम्मी। तो यहाँ पर देखिए मेरा साग जो ना ये देखिए उबल उबल के ये इस तरह हो गया, बस इसको जो ना करते हैं कवर। और इस साइड पे हमारी बन रही है चिकन, मटर और आलू जो ना मैंने वाश करके रखे हुए हैं, तो बस कुछ देर तक इसको अच्छी तरह भुनी आ जाए फिर आलू भी डाल देंगे। और इस साइड पे साग चढ़ा हुआ है तो इसलिए ना दूसरी साइड पे आग जला ली, मैंने कहा चलो इस साइड पे सालन बना लेते। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध लिया अभी, ये देखिए आटा भी मेरा रेडी है अभी भी, तो बस ये सालन उतार के रोटी भी यहाँ पर ही बनाएंगे आज। सुबह की अजान हो गई है, चांद देखे कितना प्यारा। और भाई ये वाला मोबाइल मेरे हस्बैंड का टूट गया है जिस पर वो व्लॉग बनाते थे, तो अब जाना उनकी वीडियोस नहीं आया करेंगी। और ये देखें इसके जाना टुकड़े टुकड़े हो गए बेचारे के, क्या करें। तो फिर देखेंगे
कब फुर्सत होगी तब जना नया मोबाइल लेंगे, फिर जना व्लॉग वगैरह डालेंगे। लेकिन अब मेरे हस्बैंड व्लॉग नहीं बनाएंगे जब तक उनके पास मोबाइल नहीं आएगा, तो कोई परेशान ना हो। और आप देख सकते हैं ये उसका मोबाइल जना, ये कैमरा, ये छोटा मोबाइल बन गया, छोटा मोबाइल बन गया। तो ये पता नहीं कितना है जो है ना हार्ड मोबाइल था, लेकिन ये टूट गया है। बस क्या कर सकते हैं, कैसे टूटा होगा पता नहीं, कैसे टूटा है, जैसे भी टूटा टूट गया, बस खखड़े खखड़े हो गए इसके। और भी यहाँ पर देखें, फाइनली मेरी जो है ना मामी गई हुई थी बाहर अपने जैसे मायके, तो वो आ गई और इसको देखे चारपाइयाँ बना कर दे दी हैं। ईमान और दुआ बहुत ज़्यादा खुश हैं और चारपाइयाँ कभी लेके इधर जा रही है, दिखाओ ये इसके काम चेक करें कैसे उठा रही है, उठाओ। वो तकिया तो वहाँ पे रख दिया, मैंने अलग अलग जो है ना इनके ऊपर जैसे ना वो वाण हमारे यहाँ बोलते लगवाया ताकि डिजाइन, हाँ अलग अलग रुखसाना ने बताया डिजाइन। तकिया कहाँ है छोटा जो तुम्हें दिया था, ये पाँव किधर कर रही हो, चलो सीधे करो, ये इसका है दे दो, दे दो, दे दो, ये देखो। और ये देख इनके काम चेक करें, इनकी चारपाई आ गई एक, ये है। तो इसलिए ना मैंने थोड़ी थोड़ी बड़ी बनवाई थी ताकि ये दोनों ना सो सके, टांगे सीधी करो, इसने तो सीधी की है, आप भी करो, पूरी आती है आपके यहाँ, नहीं जा रहे ऊपर रखो, चलो नहीं करते ऐसे, ईमान देखा आपको, देखो वो भी ऐसे करे, गंदी बात, चलो सीधे रखो पाओ, चलो अब गाँव जाओगे ना तो अपनी चारपाइयाँ लेके चले जाना, ठीक है, ठीक है, हाँ। और के अंदर रख के सोना, हाँ हाँ ठीक है, अब तो गाँव जाएंगे भी नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना किसके साथ चलेंगे, पापा के साथ जाना, अच्छा फिर अब आज नहीं फिर जाना, चलो आ जाओ सुरमा डलवा लो, आंखों में आ जाओ सुरमा डलवा लो, चलो ठीक है, अब नहीं पहले ईमान डलवाएगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस नहीं है, चलो चलो ईमान को पहले डाल देते सर में, नहीं नहीं ईमान को, तुम क्यों ऐसे शैतानियां करती हो बताओ मुझे, ये घर तोड़ोगे तो मैं उनको वापस दे दूँ, आपकी नानी अम्मा जिसने बनाई है ना मैं उसको वापस दे दूँगी, कहूँगी कि ये ले जाओ अपनी पोतियों को दे दो, ठीक है ना, उसकी कितनी सारी पोतियाँ छोटी छोटी, हाँ तो वो उसको दे देगी, हाँ ईमान तुम फिर अपनी पर खेलना, चलो आ जाओ आपका डलवा कर, निकालने दो बस, ये है ही गंदी बच्ची, नहीं निकालो दुआ अपनी, वो गंदी करिए हमारा क्या है, हाँ आपकी खूबसूरत है, दुआ मेरी से निकाल, ईमान दिखाओ पलथी की बच्ची, इधर दिखाओ सुरमा दिखाओ, ये देखे ईमान ने सुरमा डलवा लिया, नहीं आज पलथी नहीं मारे, बोलो बोलो क्या कह रही है, सलाम करो सलाम करो, कैसे करो, हाँ चलो ठीक है मामू, ऐसे करते तो देखो, सलाम करो, जुम्मा मुबारक, आज कौन सा जुम्मा, झूठ बोलती हो, नहीं आज जुम्मा, आज जुम्मा अब जरा ये देखो, दो रो रही मेरे पास से चुका है।
यहाँ पर मैं जा रही हूँ चाचू के घर दूध का पता करने कि दूध आ गया। गांव से मिल जाता है हमें, बहुत ही मज़ेदार दूध होता है। और ये बच्चियाँ गई थी चीज़ लेने, अभी वापस आ रही हूँ। और यहाँ पर देखें ये क्या खेल रहे हो तुम लोग, कंचे। वही इसने तो चिद्दा उड़ा दिया, कहाँ अंदर चला गया। हाय तुम भी खेल रहे हो। हाँ तो आपकी दोस्त आ गई, ईमान उधर रुक गई। और ये देखे उन्होंने अपना नीम का दरख्त भी कटवा लिया। चलो चीज लेके आ गई थी ये, वही पापड़ नीम को लेती है। इसके काम चेक करें तो दरवाजा कैसे खोल दिया इसने हाथ डाल के नीचे से। तो यहाँ पर दूध मिल गया हमें खालिस। बस अभी चलते हैं, बच्चे पहले ही भाग के चले गए। क्या करें दीवदी, चलो चलो आ जा खेती वी आई। और भाई साग हमारा कल का चढ़ा हुआ, आज ना इसको लग रहा है घोटना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है, बाकी जो ना वहाँ पे रख दिया। अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ढक्कन नहीं दिया क्योंकि ऐसे ख़राब हो जाएगा, वो भेजना है ऐशा की तरफ। और यहाँ पर मैंने लहसुन जो ना ये छील लिया है, तो बस अभी जो ना इसको कूटते हैं, कूट कर बाद में जो है ना ये देखेंगे ख़राब था, बाद में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर सॉरी भूल गई थी, हमारे साग को ना तड़का लग चुका है, हरी मिर्च और थूम का, लहसुन का। तो बस हरा धनिया भी डाल दिया, तो थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए और बाद में जो ना खाएंगे। और ये देखें हमारे घर सर्दियों की पहली सौगात और साग आ गया। और घोटना जो ना मुझसे सही नहीं लगा, क्योंकि मेरे बाजू में जो ना इंजेक्शन लगा था ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बस इस वजह से। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारा साग हो चुका है रेडी और बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा सर्दियों का साग। मैं आपको क्या बताऊँ, अच्छा बना है भाई। तो बिस्मिल्लाह, तो जो है ना यहाँ पर देखें, यहाँ पर रुखसार भी खा रही है, दुआ भी खा रही है, रुखसाना भी लगी हुई है, सब जो ना अपना अपना खाना खाने में लगे हुए हैं। मज़ेदार बना हुआ है ना। और भाई अभी हम लोग जा रहे हैं चोलिस्तानी बहनों के घर, क्योंकि ऐशा आई हुई है उधर, हमें जाना था कहीं साथ में, तो बस नहीं जा सके क्योंकि जिनके घर जा रहे थे ना वो लोग घर ही नहीं है। तो फिर देखते हैं कब जाना होता है, और काम था थोड़ा इसलिए जाना था। और यहाँ पर मेरे साथ ये देखें रुख मारिया भी है, ईमान भी है, और ये देखचा था इनका, दुआ भी आ रही है, और इनका देखचा इधर था जो साग बनाया था, और साग बहुत ही मज़े का बना था। ऐशा के पास भी सुबह मैंने भाई जमील को दे दिया था, वो ले गए थे, और हमने भी बस रात को बनाया था और सुबह नाश्ता किया था। थोड़ा सा मैंने एक कटोरी जो है ना खा अरीबा लोगों के घर भेजी, एक कटोरी जो है मैंने चोलिस्तानी बहनों के घर भेजी, तो बस बाकी जो है ना आधे से ज़्यादा मैंने ऐशा की तरफ भेज दिया। और भाई इनके घर जैसे हैं तो पहले पहले इनके घर होती है चाय, और एकदम दूध पत्ती वाली चाय, प्याला भर के ऐसे देते हैं जैसे कि हमने चाय देखी ना इतनी मज़े की। तो ऐशा चली गई अपने घर और मैं जा रही हूँ अपने घर। और जहाँ पर बर्तन थे सुबह जो है ना मैंने साग भेजा था वो वाले बर्तन, और डोंगा था इसमें मैंने भेजे थे अली के लिए चावल, तो ये बर्तन भी ले आई है। बस अभी चलते हैं घर, घर चल कर देखते हैं कि सब्ज़ी आई कि नहीं, जो सब्ज़ी आ गई तो फिर बनाएंगे शाम का खाना। और भी मिल जो है ना चल चुकी है, जैसे कि गन्ने वाली शुगर वाली फैक्ट्री। ये देखें कमान जो है ना छीला जा रहा है, ये देखें ये इतना सारा ख़त्म हो गया। तो ये देखें पत्ते जो है ना, ये पत्ते बच्चे लेके जा रहे हैं घर जो है ना आग जलाएंगे, जैसे कि बड़े तवे पर हम रोटी बना रहे हैं। मैं रुखसार से भी कहूँगी कि वो भी ले आएगी थोड़ी सी ना, इस पर रोटी अच्छी बनती है। और लकड़ियों को बहुत ही ज़्यादा बहरान है, तो ये देखें सबने जो ना उठाई, ये कचरा भी पड़ा है साइडों पे ना, ये देख ये सारे उसके पत्ते पड़े हैं, यहाँ से लेके गए हैं सब। तो घर आते ही मैंने ये बिछा दिया कपड़ा, मेरे हस्बैंड लेके आए हैं सामान, क्योंकि हमारे घर आ जाए हैं गेस्ट चोलिस्तान वाले, जो हमारे भांजे वगैरह हैं, मेरी कज़ने हैं, उनके जो है ना अभी आए हैं, जैसे कि आदमी लोग अभी आए हैं घर बनाने के लिए, तो आज उन्होंने कुछ गाँव में ना वाड़ा छड़ा बना लिया है, और कल जो है ना फिर वो बाकी आए बच्चे या फिर परसों, दो तीन दिन तक इनको ना वाड़ा बनाने में लगेगा, उसके बाद जो है ना
बाकी बच्चे भी आएंगे तो छत वगैरह लिपाई करेंगे ये सब, उसके बाद जो आएंगे तो वो लोग इधर हैं। दोपहर का खाना भी मैंने बनाकर भेज दिया था, तो अभी आए हैं, बनानी है चाय। तो माँ हमने कहा मैं बनाती, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी शाम के लिए ना मिसाला बना देती हूँ सब्ज़ी का, आज बनेगी मुर्गी और पता नहीं क्या है साथ में, आलू या फिर मटर। तो जल्दी जल्दी अपना सामान लेके आते हैं और जल्दी खाने की तैयारी करते हैं। और ये देखें, ये जन अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही है, और माँ हमने कढ़ाई चढ़ा दी यहाँ पर, मिसाले मैंने सारे बना दिए थे और मैंने धनिया सेट कर, कहाँ कर रही हो ये देखिए। अच्छा, और भी इसको छुट्टी है पूरे 10 दिन, और ये हफ्ते को जाएगी, परसों तो चली जाऊंगी, हाँ परसों हफ्ते को ये जाएगी, क्योंकि इनकी जो बाजी उनकी शादी है, तो इस वजह से उन्होंने छुट्टियाँ दी है इनको, बाजी ने छुट्टी दे के मजा करवा दिया, मजा करवा दिया। अच्छा, फिर जाओगी पता चलेगा, हाँ जब चली जाऊंगी मेरे लिए रोना आप सब, क्यों रोएंगे हम, मैं भी चली जाऊंगी रोना मत, मैं नहीं रोऊंगी, कहाँ जा रही हो तुम, मैं उनके साथ। और भी ईमान कहती है मैं भी पढ़ूंगी, ये कहती है मैं भी उसके साथ पढ़ूंगी, जाऊंगी पढ़ूंगी नहीं, जाओगी तो पढ़ोगी नहीं, फिर क्या फायदा, हाँ मेरी अच्छी बच्ची है ईमान, हाँ देखा मेरी दुआ जो ना अच्छी बच्ची बनेगी पढ़ लिख कर, ऐसे ना बोल ऐसे नहीं जाएगी नहीं। और देखिए ईमान है ना, ये देखें पोनी नहीं लगवाई नीचे, जैसे बाल बांधती हूँ मैं नहीं करवाए, तो ये इस तरह गंदे लगते हैं, हाँ विंगरे, गाना सुनाओ ये बाल विंगरे झले झले सुनाओ, हाँ कर चुप चुप, हाँ सुनाओ, आगे तुम्हें आता है, तुम्हें आता है माँ गाना, अच्छा तुम कुरान पाक पढ़ रही हो या गाने सीख रही हो, बता जी को नहीं बताना फिर कम बाजी को नहीं बता रहा, हाँ अच्छा उस अच्छा कैसे कैसे, नहीं इसको ऐसे नहीं करो तुम, छोड़ दो मैं खुद करूँगी, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पूरी डांस नहीं नजर आ रही इसकी, दुआ जन वो कैसे उसके बाल को हाथ लगा दी पहले ईमान के बालों को, अच्छा एक दोनों एक दूसरे ये दोनों के ना बाल जो है ना बिल्कुल ऐसे हैं विंगरे विंगरे, तुम्हें क्या हुआ रुखसार क्यों छुपी हुई, ये देखे हमारे घर गुलकार आ गया सुबह शाम को, चलो ठीक है बस, ये ढोल वाला है वो गाने वाला है, बस कर दो बस कर दो, चल बस। अभी आजकल जो है ना हमारे पास फ्रेश धनिया आया, इतनी मजेदार धनिया खुशबू वाला ना बहुत अच्छा, और कौन करता है ऐसे ऐसे कार्यो, हाय हाय डालो टमाटर डाल दो साथ में, दाल डाल दो हरी मिर्च और टमाटर, चलो बस। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारी मुर्गी जो ना अच्छी तरह से भून चुकी है, अब जो ना मैंने इसमें डालने आलू, और सॉरी धुएं की वजह से ना ये देखें यहाँ से नज़र आ रही है, तो अभी जो ना डालते हैं आलू, तो ये डल गए आलू, ये छिलका कहाँ से आ गया, आलू जो ना अभी फ्रेश फ्रेश आए हैं जैसे कि ताज़े ताज़े आलू, अभी छिलका ऐसे उतरेगा। और यहाँ पर देखें सालन जो ना अच्छी तरह भून चुका है, बस धुएं की वजह से जो ना नज़र नहीं आ रहा, तो ये देखें ये भुनी लग चुकी है, मिसाला वगैरह हर चीज़ घी निकल आया है, बस अब जो है इसमें डालेंगे शोरबे का पानी।
और यहाँ पर चौलिस्तानी बहनों की जो गाय है ना उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पर भाई आए अभी हमारे जो ना ये खजूर वाले जो होते हैं ना झाड़ू, इस तरह इनकी ये वाली लकड़ियाँ इनको काम आएंगी, इनको ना चीरा लगा के फिर उसकी टांग पर बांधेंगे पट्टी वगैरह लगा के ना, तो इस तरह की इनको ज़रूरत है। तो हमारे घर थी बेचारे दूसरी बार जाए, पहले भी आए लेकर गए, पहले छोटे टुकड़े लेके गए, अब फिर आए कि नहीं हमें पूरा चाहिए और ये वाली चीज़ चाहिए लकड़ियाँ। तो यहाँ पर जावेद भी साथ आया था, तो इनका काम माशाल्लाह से हो गया यहाँ से, और ये अपना जो है ना इस तरह की लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे कि इनकी गाय की जो है ना टांग टूट गई है, और अभी जो है ना इनको किसी जो टांग वगैरह बांधते हैं ना मवेशियों की, उस भाई को बुलाया, तो अभी जो है ना अल्लाह करे गाय ठीक हो जाए इनकी और इनका काम भी हो जाए। इतनी रात को ये बेचारे परेशान, अब दूसरी बार हैं तो यहाँ से ना ढूंढ ढूंढ के, यहाँ पर एक कांटे भी थे कि करके, तो हमने ढूंढ कर दिए हैं, तो अल्लाह करे इनकी ये मेहनत रंग ले आए और अल्लाह करे गाय भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारा सालन हो चुका है रेडी, तो बस अब डालते हैं, मेहमान वेट ना करें ज़्यादा। और माशाल्लाह सालन डल गया है प्लेटों में, और यहाँ पर रोटियाँ भी आ गई, चलो चलो आ जाओ। सालन कम पड़ गया तो बस थोड़ा सा और देना है सालन। ये चाकिन छबी चाकिन था बस। और भी आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ। बाकी इंशाल्लाह आप सबने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतना अच्छा जो है ना कहा है, बाकी मुझे किसी से नहीं लेना देना, आपने जिस जिस के बारे में कहा है, हर कोई अपनी जो है ना अपने आप को देखता है, किसी और को नहीं देखता। और मुझे ना किसी के साथ ना ही मुकाबला करने की ज़रूरत है, ना ही किसी की तरह बनने की ज़रूरत है, और ना ही मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। और अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ, मेरी बस यही दुआएं। और कल जुम्मे का दिन था, बाबरकत दिन था, और फिरोज़ा सिस्टर के भाई भाई महमूद जो है ना इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, अल्लाह पाक घर वालों को भी सब्र दे, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इतने अच्छे थे भाई महमूद फिरोज़ा सिस्टर, जैसे बताती हैं इतने नेक दिल थे, और इतने दिनों से वो बीमार भी थे, ऑपरेशन भी ठीक से हो गया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। फिरोज़ा सिस्टर बता रही थी कि उनका ना जैसे ऑक्सीजन वाली मशीन लगती है 90%, जैसे कि सांस जो है ना मशीन का था 10% उनका था। तो कल इतना जुम्मा का बाबरकत दिन लेके गए हैं, अल्लाह पाक उनके घर वालों को बहुत सब्र दे, और भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। दुआ की बहुत ज़्यादा आप सबसे भी है कि अल्लाह पाक जो है ना, आप सब भी दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मैं भाई महमूद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और घर वालों को सब्र दे। तो बस यही है ज़िंदगी का नाम, पता नहीं रात को खा पी के सो जाते हैं, सुबह उठते भी हैं कि नहीं उठते, और हमारे जो ख्वाब हैं, हमारे जो तंज हैं, हमारे जो हालात हैं, हमारी जो जेलेसी है, हमारे जो रिश्ते ख़त्म हुए, किसी चीज़ का नहीं किसी को फिक्र। काश कि ये मौत का डर हर किसी के दिल में होता, और ये डर होता कि भाई ज़िंदगी का पता नहीं है, किसी के साथ बुराई ना करें, हर किसी के साथ अच्छाई करें और नेकी की राह पर चलें, लेकिन बस एक दूसरे की देखा देखी में ना वो तो आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, उसने ये किया मैंने वो नहीं किया, इस तरह जो है ना बस पता ही नहीं चलता। बस आप सबसे भी यही है कि आप सब दुआ करें भाई के लिए, और बस यही था। बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे दरमियान अभी भी वही लड़ाई वड़ाई जो भी थी सब है, तो बस अल्लाह करे वो जो है ना, अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को भी हिदायत दे, मुझे भी दे, लेकिन अब जो है ना जैसे एक बंदा ना बर्दाश्त कर 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 करके थक जाता है, मैं ना अब थक चुकी हूँ बिल्कुल। अब मैंने रात को भी, मेरी जो है ना मामी आई थी तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा अब ना एक बंदा होता है, आप सब जानते हैं कि मैंने हमेशा इनका साथ दिया, लेकिन अब ना मैं थक गई हूँ, मेरा दिल दिमाग मेरी हर एक चीज़ मैंने कहा जवाब दे चुकी है, अब मेरी जो ज़िंदगी बची है पता ही नहीं है। तो वो मैं कहती हूँ कि मैं सुकून से गुजारूँ, और अपने रिश्ते जो भी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, मैं जिनके साथ भी रहूँ, जिनसे भी मिलूँ ना, मुझे ना रोके ये, बस सारी ज़िंदगी मैंने इनका कहा माना है। जैसे इन्होंने कहा है उठ जाओ तो मैं उठ गई, इन्होंने कहा बैठ जाओ तो मैं बैठ गई, इन्होंने कहा रात है तो मैंने कहा रात है, इन्होंने कहा दिन है तो मैंने कहा दिन है। मैंने सब रिश्तेदार इनकी खातिर छोड़ दिए, अब जो है ना मैं अपने बहन भाई नहीं छोड़ूंगी, बाकी इनकी मर्ज़ी, इन्होंने रखना है तो रखें, नहीं रखना तो मुझे जवाब दे दे। मैं अपने बच्चों को लेके ना कहीं अपना घर लेके ना अपने हक हलाल की कमाई से मेहनत मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है। मैं अपनी बिरयानी अच्छे से बना सकती हूँ, मैंने कहा को मैं ढाबा वगैरह लगा के ना
अपने बच्चे पाल सकती हूँ। अब जो है ना मैं मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही था हमारा आज का व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, किसी पर भी, मैं अपना करके खुद खा सकती हूँ और अपने बच्चों को भी खिला सकती हूँ। और ना ही मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है कि मैं अपने बाप से लूँ, भाइयों से लूँ, फलां से लूँ। नहीं, मैं अपना करके खुद खा सकती हूँ। और मुझे अल्लाह पर यकीन है कि जब तक अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी रखी है ना, अल्लाह पाक मुझे किसी का मोहताज नहीं करेगा सिर्फ़ अपने सिवा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।